आज हमने नगर पालिका की जो इकाई है वहाँ सारे संगठनों ने इकट्ठा होके और मजदूर दिवस को मनाया है, और जो शहीद मजदूर हुए थे शिकागो शहर में लाखों की संख्या में, क्योंकि इससे पहले कोई काम के घंटे निश्चित नहीं थे, शोषणकारी प्रथा थी और पूंजीवादी व्यवस्था और दास प्रथा की तरह 16 से लेकर 18 घंटे काम करते थे, मात्र थोड़ी बहुत देर सोने देते थे और नाम मात्र भोजन के लिए पे ही उनसे काम लिया जाता था। इसके बाद जब शहादतें हुई, बड़ी क्रांति हुई और उससे पूरे विश्व के अंदर इसका आयोजन किया गया और उसी में मजदूरों को शहादतों के तहत 8-8 तीन पूरे 24 घंटे को तीन हिस्सों में बांटा गया और 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे घरेलू काम के लिए और 8 घंटे सोने के लिए निश्चित किए गए। लेकिन मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में ये सब खत्म होता जा रहा है। दोबारा से ही सरकारें श्रम कानून, जो कानून बनाए गए थे इस सरकार ने आके वो सारे कानून मजदूरों के ख़त्म कर दिए हैं और जो 4 लेबर एक्ट हैं वो भी ख़त्म कर दिए हैं। उसके तहत पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी है कि आप किसी प्रकार मजदूर का शोषण करें, कितने ही घंटे ड्यूटी लें। और यही काम अब इस सरकार ने कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया कि 12 घंटे 1 अप्रैल के बाद 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो हम इसकी निंदा करते हैं। लाखों पद खाली पड़े, होना तो उल्टा ये चाहिए था, 3 शिफ्ट की बजाय 4 शिफ्ट, 2-2 घंटे सारी शिफ्टों से काट के और 6 घंटे काम लेते। बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहे, अपने हरियाणा में ही 6 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भरना नहीं चाहती है। कच्ची नौकरी और वो भी ठेकेदार के माध्यम से शोषण करवाना चाहती है। आज हम मई दिवस के जो शहीदों ने श्रद्धांजलि दी है, शहादतें दी हैं, हम उनको यहाँ हमारी लाल सड़क है जिसका नाम भी लाल है और उसी पे जहाँ खून से ये लाल हो गई थी, उस शहादत देने के लिए आज आए हैं। और पूरे देश में पूरे विश्व में आज मई दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज के हमारे प्रोग्राम में किसान नेता हैं, CITU के नेता हैं, भवन निर्माण के नेता हैं और सर्व कर्मचारी संघ की सभी यूनियनों के नेता यहाँ शामिल हैं, कर्मचारी शामिल हैं और रिटायर कर्मचारी संघ के भी हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ साथी शामिल हैं। और यहाँ जो सरकार ने अब केंद्र सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम लेके आई है, हम उसका विरोध करते क्योंकि उसमें मात्र 700 से 1700 तक की पेंशन और वो भी अपने कटवाए हुए पैसे से वापस जारी कर रहे हैं, लेकिन अपने MLA और MP को पेंशन दे रहे हैं। अगर इतनी अच्छी है तो वो पेंशन उनके ऊपर भी लागू करनी चाहिए, नहीं तो सामाजिक बुढ़ापे को देखते हुए सामाजिक सरोकार है, पेंशन नहीं है, ताकि बुढ़ापा आसानी से चल जाए और वो पेंशन सभी पे लागू होनी चाहिए। सर्व कर्मचारी संघ से सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान हिसार। ये पहले तो आज 1 मई है और मजदूर दिवस है। सबसे पहले तो मैं किसान संगठन की तरफ से मजदूर साथियों को इस पे मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिन मजदूर साथियों ने, जो इनके नेता थे पहले, जो इनके वे उन्होंने अपना जो सर्वेक्षण निछावर किया है आंदोलनों में, अपनी श्रद्धांजलि उनको मैं देना चाहूँगा। और मैं किसान संगठनों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि किसान आज मजदूर जो साथियों के साथ खड़ा है और ये जो आज के हालात को देखते हुए ये लड़ाई लड़नी, लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और किसान मजदूरों के साथ खड़े हैं, हम इस लड़ाई में पूरा पूरा इनका साथ देंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम रोहतास मलिक है, किसान सभा से, वहाँ से।